₹2,500 इन्वेस्ट करके कैसे ₹1 करोड़ बना सकते हो दोस्तों आप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का वीडियो लाया हूं जो दोस्तों आपके जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों आज जो प्लान है दोस्तों, इसमें आप SIP या लमसम कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो फंड है वो टैक्सेबल फंड है, जो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है। आप इसमें छोटा सा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके फ्यूचर में एक बड़ी ऐसा अमाउंट आप क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। और इस फंड में आप अपने मर्जी से पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो दोस्तों। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा तो दोस्तों आप अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट का रास्ता जल्द से जल्द चुन लीजिएगा। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड आज का जो फंड का नाम है दोस्तों, ये ऑल टाइम रिटर्न अपने कस्टमर को बना के दिया। अभी तक 14%, लास्ट 5 साल में 13.62% और लास्ट 1 साल में इसने 22.67% का रिटर्न बना के दिए हैं। दोस्तों इसका मतलब इस फंड में ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। अगर दोस्तों आप अपने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो दोस्तों जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट का प्लान कर लीजिए। दोस्तों इसका जो कंपनी है जिसमें ये पैसा इन्वेस्ट करता है, भारत का टॉप टॉप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है, रिलायंस, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और एयरटेल। दोस्तों इंडिया के ये सब लीडिंग कंपनीज हैं, जो दिग्गज कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी अमाउंट बना के अपने कस्टमर को दे रहा है। अगर दोस्तों देखते हैं SBI का लॉन्ग टर्म फंड, फंड साइज दोस्तों इसका है 13,000 करोड़ रुपया। महीने अगर आप ₹2,500 जमा करते हो 14% के रिटर्न से, तो दोस्तों 5 साल के लिए आपका जमा हुआ राशि होगा दोस्तों 1.5 लाख जो आपने जमा किए, और रिटर्न बना है दोस्तों 68,000। तो दोस्तों आपका जो टोटल अमाउंट बन गया 2,18,000 रुपये। और दोस्तों वही अगर आपने ₹2,500 इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखे अगला 15 साल के लिए, तो दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए 4,50,000 और आपको जो रिटर्न बना है 10,82,000। तो दोस्तों आपको जो रिटर्न टोटल फाइनल अमाउंट मिलने वाला है 15,32,000। दोस्तों ड्यूरेशन 20 साल के लिए, ₹2,500 आपने इन्वेस्ट कर रहे हो, महीना टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका दोस्तों 6 लाख, आपका रिटर्न हो गया 26,90,000। तो दोस्तों टोटल जो आपको फाइनल अमाउंट 32,90,000। तो दोस्तों आप देखिए 5 साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा बन रहा है कंपाउंड। अगर दोस्तों आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हो अगले 28 साल के लिए, तो दोस्तों आपने जमा कर दिया 8,40,000 और आपका जो रिटर्न बना है 96,24,000, यानी आपका जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बन गया दोस्तों 1 करोड़ रुपए से ऊपर। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट अपने गेन किए उसके ऊपर दोस्तों 10% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा कि लास्ट में जो आपका फाइनल अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों ये आप कभी भी कोई भी वीडियो उठा कर देख लो, कोई नहीं बताएगा लास्ट वाले अमाउंट के ऊपर। और दोस्तों अगर आपने इसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो 1,00,000 रुपये अगले 15 साल के लिए, दोस्तों इंटरेस्ट वही है 14% के दर से हम पकड़ रहे हैं, तो दोस्तों आपका जो अमाउंट बन जाएगा 7,13,000 रुपये आपका अमाउंट बन जाएगा। अगर आपने वही इन्वेस्टमेंट को 28 लाख कर दिए लमसम अमाउंट, ठीक है दोस्तों, तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 38,20,000, ठीक है दोस्तों। तो आपका फाइनल अमाउंट हो गया 39,20,000। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बैंक में FD और म्यूचुअल फंड में लमसम दोस्तों दोनों सेम होता है, बराबर होता है। लेकिन इन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों बैंक की FD की तुलना में। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म जो बेस्ट फंड है दोस्तों अभी के टाइम पे SBI का लॉन्ग टर्म सबसे बढ़िया टॉप क्लास का फंड है। दोस्तों सोचिए अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप जमा करके एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो तो दोस्तों क्या दिक्कत है। आप अपने बच्चों का फ्यूचर या बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का शादी, अपना बुढ़ापा, दोस्तों कोई भी इस अमाउंट से सोल्यूशन कर सकते हो आप। चाहे आप इसमें बढ़िया से पेंशन भी बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप गवर्नमेंट का प्लान बताओ दोस्तों, LIC या फिर कोई भी चाइल्ड प्लान, दो दोस्तों मंथली इनकम प्लान या फिर पेंशन प्लान, दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे जाकर देख सकते हो ये सब प्लान। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगता है तो आप इस भाई के यूट्यूब चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल वाला बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे वाला नॉलेजेबल वीडियो आपके पास पहुँच जाए।